सिर्फ 3 दिन के अंदर आपका पार्टनर खुद आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। हाँ, ये 100% ट्रू है, आपका पार्टनर 3 से 4 दिन के अंदर आपको खुद अनब्लॉक करेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले, मुझे कमेंट आया था रिसेंटली पिछली वीडियो में जिसमें मुझे कहा गया था कि सर मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मेरी गलती नहीं थी तो भी, तो मैं रो रही हूँ, मैंने उसको 10 नंबर से कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात, मेरे को हर नंबर से ब्लॉक कर रहा है। आज की वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम साइकोलॉजी फैक्ट के बारे में बात करने वाले। कोई भी इंसान आपको ब्लॉक क्यों करता है, उसका माइंडसेट क्या होता है आपको ब्लॉक करने के समय, क्या वो सच में रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है। दूसरी बात करने वाले हम ऐसा क्या करें कि सामने वाला इंसान हमें अनब्लॉक कर दे और खुद सामने से आके आपको सॉरी तक बोलेगा वो इंसान। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये 3 चीज़ें जो है ना, इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक वॉच करना, वीडियो को बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो, आपके फायदे के लिए है। क्योंकि वीडियो में जो फैक्ट बताता हूं ना, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जो मेरी वीडियोस को पूरा देखते ना, उनको रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव मिल रहे हैं। और जो भी लोग मुझसे कॉल पे बात करें, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का लिंक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो टिप्स विद हरीश को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, ब्रेकअप, ब्लॉक, मूव ऑन, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप के बारे में 100% आपको मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन जेन्युइन मिलेगी जिससे आपके रिलेशनशिप को आप बचा सकते हैं। तो कॉल पे बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कॉल फॉर एप्लीकेशन से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके स्पेसिफाई पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके पांडा ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके शोना बाबू मोना ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और अभी आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के बाद बता दूं, आपके जो फेस है ना उस पर स्माइल आ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो फैक्ट बताने वाला हूं ना वो रियल में काफी जेन्युइन फैक्ट है। देखिए, कोई भी इंसान हमें ब्लॉक करता है, हम सबसे पहले बात करेंगे कोई इंसान हमें ब्लॉक करता है उसका माइंडसेट क्या होता है। साइकोलॉजी कहती, साइकोलॉजी की एक बुक थी जिसमें मैंने पढ़ा था कि कोई इंसान हमें ब्लॉक क्यों करता है, मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च किया था और वहाँ पर मुझे पता चला था कोई भी इंसान जब हमें ब्लॉक करता है उसका माइंडसेट एक होता है कि उसको ये चीज़ पता होती कि मेरे ब्लॉक से इसको फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, सही से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे ब्लॉक से इसको फर्क पड़ता है, मतलब अगर मैं इसको ब्लॉक करूंगा तो ये रिएक्ट करेगा, मेरे मैसेज ना करने से इसको फर्क पड़ता है। तो आपकी जो हरकत है ना, रोना धोना, गिड़गिड़ाना, मैसेज क्यों नहीं करते, कॉल क्यों नहीं करते, ये हरकतें उसको पता चल चुकी है। पहले स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप था 1-2 महीने, उससे ब्लॉक क्यों नहीं किया, तब झगड़े होते थे तब ब्लॉक क्यों नहीं करता था, क्यों, क्योंकि उसको तब पता नहीं था कि आप उसके लिए पॉजिशन ऐसे रखते हैं, आप उसको छोड़ के जा सकते हो, ये उसको ये पता नहीं था कि आप उसके पास ही रहोगे। अभी उसको पता चल चुका है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, मैं ब्लॉक करूँ चाहे 10 नंबर ब्लॉक करूँ, 15 नंबर ब्लॉक करूँ, कुछ भी करूँ, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये मेरे पास से आने वाला है या फिर मेरे पास ही आएगी, ये चीज़ उसको पता चल चुकी है और इसीलिए उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम अनब्लॉक कैसे हो, साइकोलॉजी में ये भी मैंने पढ़ा था, अनब्लॉक होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका। देखिए, हम अनब्लॉक कैसे होंगे उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा, पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको आपका एटीट्यूड ऐसे बिल्ड करना है कि आपका जो पार्टनर है ना ब्लॉक करने से पहले 10 बार सोचेगा। अभी इस वीडियो में आपका जो पार्टनर है आपको अनब्लॉक तो कर ही देगा, मैं मेरी जो चीज़ें बताएंगा, जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक तो कर देगा, बट आपको नेक्स्ट टाइम ब्लॉक करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन ये वीडियो वही लोग देखना जिनके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वही लोग इस वीडियो को देखना। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप 4 से 5 दिन उस इंसान के बिना नहीं रह सकते, तो फिर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, पूरी जिंदगी ऐसे ब्लॉक रहोगे, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक आपका खेल चलता रहेगा। अगर आप चाहते हो परमानेंटली सॉल्यूशन चाहते हो कि कभी वो ब्लॉक ना करे, तो इस वीडियो को देखना। जैसे साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी इंसान हमें ब्लॉक करता है ना, उसका माइंडसेट ये चीज़ फिट हो जाती है पूरी तरीके से कि ये कहीं नहीं जाएगा, मैं इसको इस नंबर पे नहीं, अगर मैं इसको 10 नंबर पे भी ब्लॉक करूंगा ना तो ये मेरे पास ही आएगा या फिर मेरे पास ही आएगी, ये चीज़ उसको पता चल जाती है, तभी वो इंसान हमें ब्लॉक करता है। यार, कोई भी इंसान अपना रिलेशनशिप खत्म नहीं करना चाहता, क्या आपको लगता है कि अभी उसने ब्लॉक कर दिया कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, ऐसे तो 10 बार ब्लॉक कर चुका है, तो उसको ये चीज़ पता है ना कि ये तो यही आएगा ना मेरे पास भीख मांगने, यही आएगी मेरे पास भीख मांगने, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देगा, ये तो मेरे पास भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, फिर मैं इसको माफ़ कर दूंगा, फिर से रिलेशनशिप में आ जाएगा, फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद झगड़ा होगा, फिर ब्लॉक करेगा, फिर आप माफ़ी मांगोगे, कितने दिन तक ऐसा करोगे। तो इस वीडियो में परमानेंटली सॉल्यूशन मिलेगा, आपका जो पार्टनर है ब्लॉक करने से पहले 10 बार सोचेगा। चलिए अभी सॉल्यूशन पाते हैं।
साइकोलॉजी की सबसे अगर मैं बात करूँ, साइकोलॉजी कहती है कोई भी इंसान हमें जो ब्लॉक करता है उसका माइंडसेट जो होता है उसको हमें चेंज करना होता है। जैसे मैंने बताया उसका माइंडसेट क्या है कि गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, ब्लॉक करूंगा तो 10 नंबर से कॉल करेगा। तो साइकोलॉजी कहती है कि इसके हमें पूरी तरह से उल्टा करना है। ये जो चीज़ें चाहता है ना उसका जो माइंडसेट है ना, उसका जो दिमाग है ना, कि ये सारी चीज़ें वो करेगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना, पूरी तरीके से अवॉइड करना इन सारी चीज़ों से। मतलब उसमें ब्लॉक करने से पूरी तरीके से साइलेंट हो जाना है। हम लोग 2-3 दिन साइलेंट होते हैं फिर हमसे हो नहीं पाता यार। देखो उसको पता है, सामने वाले इंसान को, कि ये सारी चीज़ उसको पता है कि ये 2-3 दिन मेरे बिना रहेगा फिर खुद आएगा। लेकिन इस बार कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी समय हो जाए, हमें खुद को कंट्रोल करना है, खुद की इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर आपसे नहीं होता तो इस वीडियो को अभी आप देख रहे हो, फिर बाद में फिर से आके देखना, फिर बाद में फिर से आके देखना, बार बार देखना, मोटिवेट होते रहोगे, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट करना नहीं है तो नहीं करना। इस बार मैं नहीं झुकूंगा, अगर मेरी गलती नहीं है कितने दिन में झुकूँ, कितने बार मैं आपके सामने गिर गिराऊ, कितने बार मैं भीख मांगू, हर बार ब्लॉक करके चला जाता है, हर बार मेरी गलती ना होती है। ये चीज़ हमें माइंड सेट कर लेना कि नहीं, इस बार मैं सबक सिखा के रहूँगा, इसे अगर ब्लॉक किया ना बस अब मुझे मैसेज नहीं करना, वेट करो, खुद की लाइफ में ग्रो करो। जैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, वही इंसान आपकी लाइफ में नहीं, आपको सिर्फ वही दिख रहा और आप उसके पीछे भाग रहे हो, ये सारी चीज़ें यही नहीं, सब कुछ वो इंसान नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, छोटे छोटे बेबीज होंगे घर में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लाइफ बहुत बड़ी है, फ्रेंड्स है, क्या वही इंसान है क्या पर्टिकुलर उसी के पीछे भागना? लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, उनके पीछे भागो थोड़ा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करो थोड़े दिन के लिए, वो खुद चलता हो आपके पास आएगा। जब आप उसको लगेगा ना कि ये इंसान अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, फिर आगे निकल रहा है, ये मुझे भूल चुका है, तो आपको ब्लॉक या अनब्लॉक तो करेगा, साथ ही साथ खुद सॉरी भी बोलेगा, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेन, ये साइकोलॉजी कहती है कि साइकोलॉजी का कहना यही होता है कि हमारे जैसे हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल में पर्टिकुलर वही इंसान का नंबर है क्या? मम्मी है, पापा है, भाई है, सभी का नंबर है, हम स्पेसिफाई उसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और यही चीज़ वो इंसान चाहता कि यार मैं ब्लॉक करूंगा, फिर ये दूसरे 10 नंबर से कांटेक्ट करेगी, भाई से मोबाइल, भाई के मोबाइल से कॉल करेगी, बहन के मोबाइल से कॉल करेगी, अपने फ्रेंड से कॉल करवाएगी, और यही वो चाहता है कि हर बार आप झुको, हर बार आप गिड़गिड़ाओ। क्यों आप गिड़गिड़ाएंगे? इस बार उसको झुकने दो, और झुकेगा 100% झुकेगा यार। इस दुनिया में हर एक इंसान झुकता है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए, ये सच्चाई है। हम उसको झुकने का मौका ही नहीं देते, हर बार हम ही झुक जाते कि 6 दिन हो गए, अरे यार ये तो किसी और के पास चला जाएगा, मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं कॉल कर देता हूँ। व्हाट इज दिस यार? हम किसी का वेट नहीं कर सकते, हम ना हमारे जो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते यार। ये एक चीज़ है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपना आपा खो देते रिलेशनशिप में। नहीं यार मैं हर बार झुकूंगा, मैं कटप्पा बनूंगा, मैं उसको अभी दिखा करूंगा, नहीं सॉरी बाबू मोना सोना, व्हाट इज दिस? अगर आपकी गलती नहीं है तो माय सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर देन अबाउट माय रिलेशनशिप, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़कर है मेरे रिलेशनशिप से। अगर वो इंसान, अगर मेरी गलती नहीं है और उसने ब्लॉक किया है, तो खुद अनब्लॉक करेगा और खुद मेरे को मैसेज करेगा और करेगा, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। साइकोलॉजी खुद कहती है, साइकोलॉजी के हर एक बुक में पढ़ चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि सामने वाला इंसान आपको खुद अनब्लॉक करता है। जैसे क्या, उसने अगर आपको ब्लॉक करके रखा, उसका माइंडसेट कैसे चलता है मैं आपको समझाता हूँ। साइकोलॉजी की बुक थी जिसमें मैंने पढ़ा था, साइकोलॉजी का कहना होता है कि जब इंसान ब्लॉक करता है उसका माइंडसेट इस तरीके से चलता है, जैसे उसको पता है कि ये मेरे को मैसेज करेगा 2-3 दिन हो गए नहीं किया, फिर 4th दिन तो करेगा, 5वें दिन भी करेगा, 6 दिन हो गए उसने नहीं किया, 6 दिन 7 दिन 8 दिन हो गए, फिर उसके दिमाग में धीरे धीरे से ये चीज़ आ जाती है कि यार ये इंसान ग्रो तो नहीं कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे आपको दूसरे नंबर से देखना स्टार्ट करता है, किसी और से आपके बारे में पूछना स्टार्ट करता है, फिर 10-12 दिन के बाद खुद वो इंसान आपको कॉन्टैक्ट करता है, क्योंकि जब उसको लगने लग जाता है कि नहीं ये इंसान मेरे हाथ से छूट जाएगा, ये अभी चला जाएगा, जब उसको ये चीज़ें पता चल जाती ना, तब वो खुद सामने से आपको अनब्लॉक करेगा, और अनब्लॉक करेगा मैसेज नहीं करेगा, पहले अनब्लॉक करेगा, लेकिन आपको उसने अनब्लॉक करके तुरंत आपको मैसेज नहीं करना है, उसने अनब्लॉक किया आपको देख लेना, बस आपको हैप्पी स्टेटस लगाना। देखो और 2 दिन के बाद सॉरी का मैसेज भी वो करेगा, करेगा 100%। तो हम क्या करते हैं, किसी इंसान को झुकने नहीं देते, हर बार हम खुद झुक जाते, तो हम ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते यार। उस इंसान को ना उसके माइंडसेट में ना एक चीज़ बैठ चुकी है आपके बारे में, उसने आपको इतना समझ लिया ना कि नहीं ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, इसको ये चीज़ ना उसको पता चल चुकी पूरी 101%, और इसीलिए वो ना आपको बार बार ब्लॉक करता है। अगर आप चाहते हो कि वो कभी आपको ब्लॉक ना करे, आप चाहते हो कि आपकी भी कोई इज्जत हो उस रिलेशनशिप में, तो आपको उसको सबक सिखाना पड़ेगा, और सबक सिखाने के लिए आपको खुद की इमोशंस कंट्रोल करनी होगी। अगर उसने ब्लॉक किया तो आपको 10-15 दिन आपके खुद के लाइफ पे ध्यान देना, मम्मी पापा भाई फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं सभी से बात करो, अपने लाइफ में थोड़ा बिजी रहो, खुश रहो, उसके बारे में सोचो मत, अनब्लॉक करें ना, वो खुद आपको अनब्लॉक करके खुद मैसेज करेगा सॉरी का भी, सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन देख लो। इस बार आपको करके देखना है, ये अभी के लिए सॉल्यूशन, अभी तो अनब्लॉक कर ही देगा लेकिन परमानेंटली सॉल्यूशन हो जाएगा। 10 बार सोचेगा आपको ब्लॉक करने से पहले, अगर इस बार आपकी जीत हुई तो, लेकिन अगर इस बार फिर से आप झुक गए, फिर से आप हार गए, कुछ नहीं हो पाएगा। अनब्लॉक तो करेगा, फिर आपके झुकने के बाद अनब्लॉक करेगा, फिर रिलेशनशिप ठीक होगा, फिर से वैसी चीज़ें होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर
आपको झुकना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए आपको ब्लॉक ना करें तो आपको ये चीज़ें करना जरूरी है, वेट करो। साइकोलॉजी कहती है कि 100% आपको इंसान आपको अनब्लॉक करेगा और मैसेज भी करेगा। सॉरी, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मुझसे कॉल पर बात करेंगे पर्सनली कॉल पर बात करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कॉल बिफोर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करिए और आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व।